क्या हुआ? जब माता सती ने ली सीता बनकर प्रभु श्री राम की परीक्षा, क्या श्री राम पहचान पाएंगे अपनी असली पत्नी या फिर माता सती के साथ ही अपना समय व्यतीत करेंगे? नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। जब स्वयं माता सती धरती लोक पर अवतरित हुई माँ सीता बनकर श्री राम के दुख दूर करने के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल्स 18 ही पुराणों पर। यह शिव महापुराण में वर्णित कथा है जिसे अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब रावण माँ सीता का हरण कर उन्हें वायु मार्ग से लंका ले गया था, जिसके बारे प्रभु श्री राम को कुछ भी आभास ना था कि अब सीता कहाँ पर है। तब श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। उस समय माता सती और भगवान शिव भी आकाश में विचरण करते रहे थे। चलते चलते भगवान शिव ने धरती को देखकर एक वन में चल रहे युवक को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। इस बात से आशंकित होकर माता सती ने कहा, हे देवों के देव महादेव सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य अनंत देव महादेव हैं। सभी को आपका ही सर्वदा स्मरण और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, आपने पृथ्वी पर देखकर किसे प्रणाम किया है? आप कृपया मुझे बताएं कि आपके द्वारा प्रणाम करने योग्य कोई मानव कैसे हो सकता है? तभी देवी सती वन में व्याकुल भाव से चल रहे दो नव युवकों देखकर बोली, हे प्रभु, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी अवस्था किसी कष्ट के कारण अत्यंत व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए किसी पीड़ा से दुखी हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग का रूप नीलकमल के समान श्याम और अति सुंदर है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे प्रभु? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आखिर क्यों आप भी किसी परम भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी, कृपया करके आप मेरे संशय को सुने प्रभु। एक परम स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे यह उचित नहीं जान पड़ता। उसी समय ब्रह्मा देव भी आकाश में थे और वे कहीं दूर से ही इनकी बातें सुन रहे थे। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति देवी सती ने शिवजी की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले कि परम परमेश्वर ने कहा, हे देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इस बात में कोई भी छल नहीं है। एक वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, ये दोनों भाई धरती लोक के सारे वीरों द्वारा सम्मानित हैं। अथ इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका जन्म भारतवर्ष के सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों ही राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष नाग के पूर्ण अंश अवतार हैं और उनका नाम लक्ष्मण है तथा इनके भ्राता का नाम श्री राम है। इन्हीं के रूप में स्वयं भगवान श्री विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शिव शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी माँ सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। और क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी ही प्रबल है, वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डाल देने वाली है। देवी सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु शिव शंभु यों बोले। शिवजी ने कहा, हे देवी मेरी यह बात ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। हे अर्धांगिनी सती, जिस प्रकार से तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह सब कुछ करके तुम देख लो। तुम स्वयं वहां जाकर उनकी परीक्षा करो। तभी वे दोनों उसी वन में प्रकट होते हैं और भगवान शिव माता सती से कहते हैं, तुम जाओ, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा रहता हूँ। इस बात पर अंतरिक्ष से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि,
भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गईं और मन ही मन यह सोचने लगीं कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, तो मैं सीता का ही रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं, तब तो वे सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके देवी सती माँ सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। जब वे सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने गई तो थी, पर वास्तव में वे राम के ही मोह में पड़ गई। देवी सती को सीता के रूप में सामने आई देख हर हर महादेव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। तथा श्री राम ने पूछा, हे देवी सती जी, आपको आदर पूर्वक नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं कि भगवान शिव शंभु कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? श्री राम बोले, हे देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर देवी सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिवजी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात श्री हरि विष्णु जान अपने स्वयं के रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणों को वंदन चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई। देवी सती प्रभु श्री राम से इस तरह कहती है, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए आपके मन में बड़ा क्लेश था और आप विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में आपको प्रणाम करके लिए वे आए हैं और उस वटवृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गुण गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने ही मुझे आपके चतुर्भुज श्री विष्णु के दर्शन के लिए भेजा है, वे भी आपका दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आपके इस अवतार के विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। अथ राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही साक्षात श्री हरि विष्णु हो। आपकी सारी प्रभुता और अद्भुत लीलाएं मैंने अपनी आंखों देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है, किंतु हे रामेश्वर, आप मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह अभी भी शेष है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। देवी सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया, इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। तब श्री राम बोले, हे आदिशक्ति, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। यह परम गोपनीय बातें हैं। इस अवतार की कथा आपको स्वयं भगवान शिव शंकर रामायण की कथा के नाम से जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों, हमारे श्री राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है आप समझ ही गए होंगे। इसलिए आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए, तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने देवी सती से प्रार्थना कहना प्रारंभ किया था। तो उम्मीद है आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। तो एक लाइक करें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।